नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां दलसिंहसराय प्रखंड अंतर्गत मुख्तियारपुर सलखनी पंचायत के बुनियादी विद्यालय के प्रांगण में पंचायत की मुखिया श्रीमती मीरा कुमारी तथा सरपंच गुलाबी कुमारी की संयुक्त अध्यक्षता में कोरोना वायरस पर आधारित एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक का संचालन मुखिया पति शंभू पासवान ने किया। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुखिया पति शंभू पासवान ने कहा कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, जिसके कारण पूरी दुनिया की हालात खराब हो चुके हैं। इसलिए हमें स्थानीय प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री की बातों पर अमल करनी चाहिए। हमें भारत सरकार के आदेश पर लगाए गए लॉकडाउन का पालन करनी चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई पर पूरा ध्यान रखनी चाहिए। प्रत्येक एक से दो घंटे पर हाथों को साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का इलाज विश्व के किसी देश के पास नहीं है। इस बीमारी से बचने का जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। मौके पर जल्लेश्वरी देवी, रेखा कुमारी, इंदिरा देवी, मीना देवी, पिंकी देवी, सविता कुमारी, लालो देवी, संजो देवी, मीना कुमारी, राजद दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष शिव शंकर दास, टोला सेवक पारस महतो, आवास सहायक कुंदन कुमार, डेटा ऑपरेटर अनिल कुमार, विकास मित्र अनिता कुमारी, अनिल कुमार, हीरा लाल शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस विकट परिस्थिति में जो आप लोग इस चेतना अर्थात जागरूक। नमस्कार, बिहार की आवाज के साथ मैं चंदन कुमार। अभी हम मुख्तियारपुर सलखनी पंचायत में स्थित है, जहां हम पंचायत के कर्मी से जानेंगे कि कोरोना के लेकर इन सब का क्या सब तैयारी है। आपको कोरोना के लेकर क्या तैयारी है, क्या टास्क दिया गया है, बताइए। बोलिए ना। अभी कोरोना को लेकर के सतर्कता बरतने के लिए बिहार से जो सरकार निर्देश दिया है, इसमें जिला कंट्रोल प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है, अनुमंडल में भी SDO साहब को दिया गया है। पंचायत में आपको क्या टास्क दिया गया है? पंचायत में हमारा है कि वार्ड 19 में जितना भी कोई बाहर से आ रहा है उसकी सूची बना करके प्रखंड को उपलब्ध कराना है। तो अपने काज में आप निरंतर प्रयासरत हैं? हाँ, जी, धन्यवाद। अपना स्वच्छ बनाए रखिए।